कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से निकलने के लिए किए गए उपायों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करने वाले हैं। इसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा सकता है। आपको बता दें कि महामारी शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पांचवी बार मुख्यमंत्रियों के साथ में ये संवाद कायम करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस आज दोपहर के बाद में शुरू होने वाली है। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी मेरे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में एक बार फिर से हाई प्रोफाइल बैठक करने जा रहे हैं। चूंकि अब कहीं ना कहीं सरकारों को भी समझ में आ गया है कि जो जिंदगी की गति है उसे अधिक समय तक रोक कर नहीं रखा जा सकता, तो क्या कहेंगे, कौन से वो मुख्य बिंदु रहेंगे जिसके जो इस संवाद में छाए रहेंगे? देखिए, लॉकडाउन 3 को लेकर आज पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे जी। और माना जा रहा है कि लॉकडाउन में छूट को लेकर चर्चा होगी, जोन स्तर पर चर्चा होगी, अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की जाएगी, आर्थिक पैकेज की कोई घोषणा की जा सकती है। इसके साथ साथ पूरे देश भर में कोरोना को लेकर क्या नीति तय करनी है इस पर भी अहम फैसला हो सकता है। इसके लिए तमाम मुख्यमंत्रियों से वो बातचीत करेंगे। अलग अलग मुख्यमंत्रियों को समय दिया गया है, सभी मुख्यमंत्री अपनी बात रख सकेंगे। किस तरह के हालात राज्यों के मुख्यमंत्री फेस कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ताकि उसी हिसाब से पीएम एक फैसला ले सके, निर्णय कर सके। दूसरा, आर्थिक पैकेज की लगातार मांग उठ रही है, तो आर्थिक पैकेज को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। कोई पैकेज देने की बात आज पीएम मोदी कर सकते हैं, तो क्योंकि इसको लेकर भी बड़ी उम्मीदें लगी हुई है। जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जिस तरह से वीसी ली थी विधायकों सांसदों के साथ में, तो आर्थिक पैकेज का मुद्दा भी उठा था, तो इसको लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। दूसरा, जो कल से ट्रेन शुरू हो रही है उसको लेकर भी एक ट्रायल शुरू हो रहा थे, जिंदगी वापस पटरी पर दौड़ने की कोशिश है। तो माना जा रहा है कि जो पीएम है मुख्यमंत्री से इस पर भी राय शुमारा करेंगे, क्योंकि एक बार रेल सेवा शुरू होने के बाद उसकी समीक्षा होगी और यदि सरकार उसमें सफल होती है तो फिर पूरे देश में रेल सेवा शुरू करने पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ लॉकडाउन में किन किन बातों को और छूट मिले, जो जोन स्तर पर छूट दी गई है उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्रियों का कहना था कि अब जो है जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती है तो लोगों को कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा, यानी कि ये लंबा खिंच सकता है और ऐसे में पूरी जो दुनिया है इसको घरों में कैद करके नहीं रखा जा सकता है। तो इसलिए माना जा रहा है कि अब जो किस स्तर पर छूट मिले, कैसी छूट मिले, किन किन लोगों को छूट मिले, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का एंड आता है। और अब माना ही जा रहा है कि लगातार जो कोरोना वायरस के चलते बंद की स्थिति है उसके चलते हर आदमी की हालात खराब होती जा रही है। ऐसे में अब कुछ न कुछ रियायतें देनी पड़ेगी, ढील देनी पड़ेगी, जिससे लोग पटरी पर लौट सके, काम धंधा शुरू हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, आय के साधन बढ़ सके और उसके माध्यम से वो अपनी जीविका चला सके। इन तमाम बातों पर इस जो है नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद ही जो निर्णय है, फैसला है, वो सुनाएंगे जी। तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया नीरज जी।